केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री निजी कॉलेज के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होए बर आए हैं। केंद्रीय मंत्री है पत्रकार मन ले चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर तंज कसत हुए कि हिन के माफिया सरकार ला छत्तीसगढ़ के जनता कबू माफ नहीं कर ही और मंत्री है कि इनके सरकारी खजाना ले भरे के बजाय यहाँ सरकार अपन जेबे भरत है और गरीब मन पर पक्का मकान बनाए के काम, नल ले जल दे के काम और बाकी योजना मन के काम केंद्र सरकार करत है, लेकिन कांग्रेस ये योजना मन ले छत्तीसगढ़ के जनता ला दूर रखे के काम करत है। टीएस सिंहदेव जी का सर्टिफिकेट है जिन्होंने इस्तीफा दिया था कि गरीबों को पक्का मकान बनाकर देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने बजट में प्रावधान नहीं किया, उस पर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? गरीबों के पक्के मकान के लिए बजट का प्रावधान क्यों नहीं होता है? देश भर में 56% से ज्यादा और कई राज्यों में 90% तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलके लगाने का काम किया गया, छत्तीसगढ़ में 23% ही क्यों रह गया? क्या मजबूरी है यहाँ की सरकार की और क्या आयरन ओर हो, शराब हो या बाकी अन्य स्रोत जो रेत से लेके अन्य माफिया के हो, क्या उसके आगे सरकार इतनी झुक गई है? जो टोटल शराबबंदी करने की बात करती थी, आज घर घर शराब पहुंचाने का ठेका भी यहाँ की सरकार ने